भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह हैं, जो काफ़ी लंबे अरसे तक प्रणब मुखर्जी के साथ कैबिनेट में भी रहे, पार्टी में भी रहे, संगठन में भी रहे। हम बात करते हैं उनसे। सर, आज के दिन किस तरह से उनको याद करते हैं और उनके पूरे पॉलिटिकल जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक तो बहुत बड़ा है, ज़बरदस्त पॉलिटिशियन थे, कोई इस बात नहीं थे। एक बड़े भारतवर्ष के सपुत्र थे, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स में रहे, सन 1982 में आए दिल्ली, तो आप समझ लीजिए हो गए 42 बरस हो गए इनको यहाँ। सुलझे हुए आदमी थे, बहुत अनुभव था। लगभग 5 दशक का उनका पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है। 1969 में वो पहली बार राज्यसभा में आए थे, तो इन 5 दशक में वो लगभग तकरीबन सभी जगहों पे रहे। देश के राष्ट्रपति बने, प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन रहे, वित्त मंत्री रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, पार्टी के अंदर वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं और बड़े फैसलों में रहे। वो किस तरह से उनका ये पूरा जो जर्नी है उसको किस तरह से देखते हैं? और आज के दिन बहुत कम ऐसी मिसाल है जिसका अगर राजनीतिक कैरियर ऐसा हो जैसे उन्होंने किया है, कोई सवाल नहीं पैदा होता। और ख़ास करके वो ये जानते थे कि वो मास लीडर नहीं थे, पर वो मास लीडर में उनका काम नहीं था। उन्होंने जो काम किया वो किया केंद्र में, सरकार के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बराबरी करना बड़ी मुश्किल है। क्योंकि सब लोग जाते थे सलाह लेने के लिए उनसे। और फिर आप देखिए, भड़कपन देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनके नीचे काम किया था, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये थे सेक्रेटरी और रिजर्व बैंक के चेयरमैन थे, मगर कभी भी मनमोहन सिंह को ये नहीं फील करने दिया कि मैं आपसे ऊँचा था, आप मेरे मातहत रहे, कभी भी नहीं है ना। दिस वॉज कैरेक्टर, बहुत बड़ी बात है। सर, आप हाल के दिनों में उनसे मुलाकात हुई हो? और हो गए 6 महीने में, नहीं मिला थे, तबीयत खराब हो गई थी। मैंने अभी कह दिया उनसे, उन्होंने कहा था कि मैंने बड़ी गलती की, मैं राष्ट्रपति बन गया। मैंने कहा क्यों? कि इसलिए कि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, यहाँ तो इस महल के अंदर मैं वो कैदी हूँ। एक दौर ऐसा भी आया जब उनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जब राजीव गांधी ने गलती की, उनकी दो राय नहीं है, और फिर वही वापस लाए उनको। उनके पीछे खास करके पड़ गया था अरुण नेहरू। अच्छा, नहीं उनको भी एक रिग्रेट था कि जिस तरह से उन्होंने एक रीजनल पार्टी बना ली वहाँ जाके 5 साल। हाँ, था उनको, उन्होंने ये कहा कि दूसरी गलती मेरी ये हुई कि मैंने पार्टी बना ली, बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि उसमें कोई गया नहीं, कोई असर नहीं पड़ा ना उसका। बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, आपको लगता है कि कई बार ऐसा लगा, चाहे उनके RSS के ऑफिस में चले जाना या जिस तरह से वो थे, कि आखिरी वक्त में आके कांग्रेस के कई लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए उनके RSS के मुख्यालय जाने को लेके? और बात देखिए, मैं तो कांग्रेस में हूँ नहीं, अब कांग्रेस की रेलेवेंस क्या है? जो कुछ भी कहा करे कौन सुनता है? अगर उनको बना दिया गया राष्ट्रपति, तो फिर कांग्रेस वालों ने कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर दिया, कि उन्हें क्यों बना दिया गया? उन्होंने भी मंजूर किया, वो भी इनकी इज्जत करते हैं, वो भी इनके बैंकुट में जाते हैं, सब काम करने के लिए जाते थे। तो ये तो फिजूल की चीज़ है कि साहब इन्हें BJP के प्रेसिडेंट रही है, कोई नहीं, राष्ट्रपति में आप बैठते हैं, आप देश के प्रेसिडेंट हैं, किसी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है। और RSS के मुख्यालय जाने को लेकर भी बहुत आलोचना हुई, तो सोच समझ के गए थे ये राष्ट्रपति हैं, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि साहब इस पार्टी के मामले आप नहीं जाएंगे? ओवरऑल किस तरह से देखते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के एक अच्छे आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन, आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटर, आउटस्टैंडिंग मिनिस्टर? धन्यवाद। तो ये थे नटवर सिंह, जिनका एक लंबा सफ़र जो है प्रणब दा के साथ रहा, कैबिनेट में भी साथ रहे। उनका कहना है कि एक आउटस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक और आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे प्रणब दा। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और यही उनकी श्रद्धांजलि है नटवर सिंह की प्रणब दा को लेके। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।